मैं हूं विवेक त्रिपाठी और एस्ट्रोलॉजी आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की शुभकामनाओं और आशीर्वाद स्नेह के चलते ये मेरा 300वां वीडियो है और आज इस 300वें वीडियो में मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा बल्कि सारे वीडियो का एक निचोड़ है, पांच बातों को लेकर के आज मैं बताऊंगा ताकि एक बार फिर से आपको समझा सकूं कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। पांच बातों को बताऊंगा, उनके पॉजिटिव बातें भी बताऊंगा, कुछ नेगेटिव बातें भी बताऊंगा ताकि इस वीडियो में एक सार मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। मैं बताऊं, सबसे पहले बात आती है सर्किल की। जैसे किसी का नाम रोहित है तो रोहित है और नाम लिखा रोहित। अब कई लोग होते हैं जो आर को क्या करेंगे, आर को बंद किया, इसी में ओ बनाया, एच आई टी बना दिया। अब आर सर्किल के अंदर आ गया। कई बार होता है आर को हम इस तरह से भी बना देते हैं, इसके अंदर बनाया और फिर उसके बाद यहीं पर ओ एच आई टी लिख दिया। या अगर किसी का नाम रोहित मिश्रा है तो वो क्या करता है, आप देख सकते हैं रोहित लिखा। अब क्या उसमें अंतर ये ले आते कई लोग, यहां से एम बना दिया, एम आई एस एच आर ए, तो ये भी आर कवर हो गया। इस तरह के सिग्नेचर के फायदे और नुकसान आपको बताता हूं। देखिए, अगर कोई इस तरह साइन कर रहा है तो इसका मतलब वो बड़ा इंट्रोवर्ट हो जाएगा, अपनी बातों को बहुत फ्रीक्वेंट वे में कहने में सक्षम नहीं होगा, खासतौर से सर्किल वाला व्यक्ति, सेमी सर्किल वाला व्यक्ति और इस तरह का, क्योंकि उसने अपने ऊपर बना लिया एक सेल्टर बना लिया। इंट्रोवर्ट होना सबसे पहली चीज हो जाती है, अपनी बात को जल्दी कह नहीं पाएगा। लेकिन इस तरह का व्यक्ति बड़ा स्वास्थ्य के प्रति बड़ा ध्यान देता है, यानी कि जहां पर लोगों को खूब बीमारियां मिल रही हैं, फैल रही हैं, कोरोना के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, तो अधिकतर वो लोग सुरक्षित हैं जो अपने सिग्नेचर में आर में शेल्टर बना दिए। ये लोग सुरक्षित रहेंगे क्योंकि इनका मेन है प्रोटेक्शन, अपने आप को बड़ा प्रोटेक्शन करके चलेंगे। और आप देखेंगे अधिकतर लोग जो आप अगर किसी को कोरोना नहीं हुआ या किसी को बड़ी बीमारी नहीं हुई या जीवन में कोई बहुत बड़ी उसको कोई दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ तो आप 100% उस सिग्नेचर में ये जरूर पाएंगे। या ये कह सकते, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति जल्दी दुर्घटना का शिकार नहीं होगा। तो इसका पॉजिटिव बात ये कि दुर्घटना का शिकार नहीं होगा ऐसा व्यक्ति, और निगेटिव बात ये कि ऐसा व्यक्ति बड़ा इंट्रोवर्ट हो जाएगा और एक निश्चित दिशा में ही काम कर पाएगा, मल्टी टैलेंटेड ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। तो ये इसका पॉजिटिव बात भी थी और निगेटिव बात भी थी। अभी तक हम लोग सिर्फ इसकी निगेटिव बात ही सुनते थे, आज आपको पॉजिटिव बात भी मालूम चल गई कि इस सर्किल का पॉजिटिव बिंदु क्या है। अब आते हैं एक दूसरी बात और है कि सिग्नेचर के बारे में भ्रांति है कि 45 डिग्री पर करना चाहिए, यानी कि अगर किसी का नाम रोहित मिश्रा है तो वो इस तरह से लिखे। ये हमने भी सुना था जब पहले छोटे थे, अक्सर एड वगैरह टीवी में आता था तो, या कई आर्टिकल सुनने में आते थे, पढ़ते थे तो कहा जाता था कि आप ऊपर बढ़ता हुआ साइन करें। इस तरह से, इस तरह का जो व्यक्ति होता है वो ऊपर बहुत आगे जाता है, बहुत पॉजिटिव अप्रोच का होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है। चलिए मान लिया ये बात, चूंकि आज इस भ्रांति को मैं यहां पर तोड़ूंगा। अगर कोई इस तरह का व्यक्ति है, साइन ऊपर कर रहा है, तो जानते सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, पॉजिटिव बात तो यह है कि ठीक है ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत आगे प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी का, लेकिन निगेटिव क्या, निगेटिव बात यह है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी लाइफ में बैलेंस बनाकर नहीं चल सकता, उसकी फैमिली लाइफ 100% डिस्टर्ब मिलेगी। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे जाएगा लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ हमेशा उसको खराब मिलेगी। तो ये इसका एक ड्रॉबैक इस तरह का सिग्नेचर का। और अगर कोई इसमें एक चीज और, अगर कोई सिग्नेचर अपना इस तरह से कर रहा है, यही रोहित मिश्रा और ऊपर चले गए, देखिए ये बिल्कुल, यानी कि 45 डिग्री से और ऊपर चले गए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत तेजी से तरक्की करता है, जल्दी सब कुछ पा भी जाएगा लेकिन फिर वही बात, अपनी पर्सनल लाइफ में वो खराब कर लेगा। तो दो बातें फिर मैंने आपको बताई, भ्रांतियां, एक सर्किल वाली बात हो गई कि अगर सर्किल कर रहे तो उसकी मैंने पॉजिटिव नेगेटिव बातें बताई, और एक इस तरह के सिग्नेचर में कि इस तरह का जो करता है तो सिर्फ अच्छा ही नहीं होता उसके साथ कि बहुत आगे सोच लेगा, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखेगा, प्रोग्रेसिव होगा, ऐसा नहीं। उसके साथ निगेटिव बात क्या, उसका पारिवारिक जीवन भी परेशानी वाला हो जाएगा। अब तीसरी बात पे आ जाता हूं, तीसरी बात पे हम लोग करते हैं डॉट्स पे आते हैं। देखिए डॉट्स पे
कई लोग कहते हैं कि दो डॉट रखो बड़ा पॉपुलैरिटी मिलती, कई लोग कहते हैं नाम के आगे डॉट रखो, जैसे हमने नाम लिखा रोहित ही बार बार लिख रहा हूं, क्या बार बार नाम बदलू, एक नाम है, अब रोहित लिखा डॉट बना दिए दो डॉट, कई लोग यहां रख लेते हैं। तो आज आपको इसकी भ्रांति में इसकी तोड़ता हूं। भ्रांति यह है कि इस तरह का व्यक्ति बड़ा पॉपुलर होता है, बहुत नाम कमाता है, चलिए ठीक बात बिल्कुल सही है, हम भी मानते हैं। अब निगेटिव बात सुन लीजिए, निगेटिव बात यह है कि अगर इस तरह का कोई डॉट बना रहा है व्यक्ति, तो पहला डॉट उसके हेल्थ को परेशान करेगा, दूसरा डॉट का जब समय आएगा, ये भी चूंकि इसका अपना एक टाइम पीरियड है, इसका जब समय आएगा तो फाइनेंस को परेशान करेगा, यानी कि सबसे पहले परेशानी आएगी हेल्थ में, फिर उसके बाद फाइनेंस में परेशानी आएगी, ये 100% सियोरिटी के साथ पॉपुलैरिटी मिलती, इसमें भी कोई शक नहीं, व्यक्ति बड़ा ख्याति प्राप्त हो जाएगा, उसकी उपलब्धियां भी बढ़ेंगी, लेकिन वो उन खुशियों को अवेल नहीं कर पाएगा। आज कुछ हुआ, पैसा बहुत आया तो आप स्वास्थ्य आपका खराब हो गया, आप उसको अवेल नहीं कर पाए, उस सुविधा को नहीं ले पाए, फिर चलिए पैसा बहुत आया, फिर एक समय ऐसा आया कि वो पैसा आपका चला गया, तो ये दो चीज दो डॉट आपको परेशान करेंगे। तो इसलिए इस दो डॉट का पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि पॉपुलैरिटी, निगेटिव इंपैक्ट मैंने बता दिया आपको। अब आती चौथी बात, चौथी बात, अक्सर मेरे पास फोन आता है कई क्लाइंट्स के कि सर मेरा जो साइन है वो ना न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बना दीजिए, एक न्यूमरोलॉजिस्ट फला ने ये बोला कि मेरे नाम में डबल टी जोड़ दीजिए, डबल आर जोड़ दीजिए, डबल ओ जोड़ दीजिए, डबल एच। देखिए इन सब के कोई मायने नहीं होते, न्यूमरोलॉजी से आप अपना नाम ठीक करवाइए, मैं न्यूमरोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन न्यूमरोलॉजी को सिग्नेचर में लाने के अगेंस्ट हूं। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक स्क्रिप्ट है, उसकी अपनी ग्रामर है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ग्राफोलॉजी से अटैच नहीं, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ग्राफोलॉजी के अंतर्गत नहीं आती, बिल्कुल डिफरेंट विद्या है। अगर आप न्यूमरोलॉजी को उसमें लेकर के आएंगे कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग इसमें डबल ओ बढ़ा दो, डबल आर बढ़ा दो, तो आप अपने स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ कर देंगे। सिग्नेचर में इंपॉर्टेंट है उसका फॉर्मेट, जैसे आर आपको समझा देता हूं कि आर आपका नाम रोहित है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपने यहां पर डबल टी लिख दिया, इसका मतलब आपने एक प्लेनेट को एक्स्ट्रा आपने अपने सिग्नेचर में जगह दे दी, लेकिन हो सकता है कि यहां पर आप इस तरह से करके भी आप आगे बढ़ सकते थे। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह हुआ कि जरूरी नहीं है कि टी को जोड़ना सिग्नेचर में फायदेमंद है, या डबल आर को जोड़ना डबल आर को जोड़ने ही फायदेमंद है, वो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से पता चलेगा कि आपके लिए सिग्नेचर का प्रारूप क्या है, उसका वास्तु कैसा हो। तो कुल मिलाकर के आप कभी भी न्यूमरोलॉजी को आप इसके सिग्नेचर में लेकर के मत आइए, कहीं से भी वो फायदेमंद नहीं। एक और दूसरी बात मैं कहूंगा ग्राफोलॉजी को लेकर के, जो पांचवी बात है, अक्सर लोग कहते हैं कि ग्राफोलॉजी जो है उसके अनुरूप सिग्नेचर होना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्राफो जैसे न्यूमरोलॉजी अगेंस्ट के सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के विपरीत है, उसी तरह ग्राफोलॉजी भी है। ग्राफोलॉजी में क्या होता है कि जैसे अक्सर मैं कहता हूं कि मेरा नाम रोहित मिश्रा है, तो अब रोहित मिश्रा बॉलीवुड एक्टर है, एक ग्राफोलॉजिस्ट के पास आप जाइए तो रोहित मिश्रा का जो सिग्नेचर है वो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी अपनी एक आइडियल थॉट है, वो उसके आगे आर नहीं बना सकते, वो आर वैसे ही बनाएंगे जैसे उनको जैसे उन्होंने पढ़ रखा है, रोहित का ओ ऐसे ही बनाएंगे जैसे उन्होंने पढ़ रखा है, उसको ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे। तो अब रोहित मिश्रा सिर्फ अकेले बॉलीवुड एक्टर नहीं, वो इंजीनियर भी हो सकता है, इंटीरियर डेकोरेटर भी हो सकता है, आर्किटेक्ट भी हो सकता है, एक सब्जी बेचने वाला भी हो सकता है, कबाड़ी वाला भी हो सकता है, और एक इंजीनियर भी हो सकता है, और डॉक्टर भी हो सकता है, क्रिकेटर भी हो सकता है। अब रोहित मिश्रा इतने सारे हैं, लेकिन ग्राफोलॉजिस्ट क्या करेगा, इन सब का एक जैसा साइन बनाएगा। तो यहां पर मतभेद हो, क्या रोहित मिश्रा एक सब्जी वाला और एक रोहित मिश्रा क्रिकेटर, क्या ग्राफोलॉजिस्ट जब साइन बनाएगा तो एक जैसा साइन बनाएगा, यही गड़बड़ है, यह नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो प्लेनेटरी इफेक्ट है सबका अलग अलग होता है। यही सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में समझने की बात है कि इनकी स्क्रिप्टिंग अलग होती है, एक क्रिकेटर का साइन अलग बनेगा, एक सब्जी वाले का साइन अलग बनेगा, एक इंटीरियर डेकोरेटर और इंजीनियर का साइन अलग बनेगा। कहने का मतलब यह कि आर की डिजाइनिंग, यही आर, ये आर कुछ अलग कहेगा, ये आर कुछ अलग कहेगा, ये आर कुछ अलग कहेगा। देखिए अब समझते चलिए कि आर के क्या तरीके, एक आर ये अलग बनेगा और ये आर ये अलग बनेगा। राजेश खन्ना का आर इस तरह से था, रोहित जो सेट्टी है उसका आर इस तरह से है, रतन टाटा का आर ये है। ये देखिए रतन टाटा, अब आर की अलग अलग डिजाइनिंग मिल गई,
यही इंपॉर्टेंट होता है कि हम आर को किस तरह से बना रहे हैं। यानी कि ये तो एक सिंपल एक लेटर की बात हो गई, लेकिन जब सिग्नेचर की बात करते हैं तो सब कुछ देखा जाता है। कुल मिलाकर के मैं फिर कहूंगा, ग्राफोलॉजी न्यूमोलॉजी के हिसाब से सिग्नेचर कभी डिजाइन मत करिए, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग सिग्नेचर डिजाइन करिए, वो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, डॉट के मैंने आपको सारी बातें बताई और मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये पांच बातें आपके सिग्नेचर को निश्चित रूप से दुरुस्त करेंगी और आप अपने सिग्नेचर को पढ़ करके जान सकेंगे कि वास्तव में कितना इंपैक्ट लाने वाला है। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को आप समझिए और अपने सिग्नेचर के साथ साथ अपने दूसरों को भी, जो आपके अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदार हैं, उनके भी सिग्नेचर को आप ठीक करिए। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।